आज की इस वीडियो में आप देखेंगे ये जो डे और नाइट की लाइट होती है उसके इंटरनल ये जो यूज होने वाली एलईडी लाइट है उसके बारे में दिखा रहे हैं। इसमें दो कलर यूज किए गए हैं, एक येलो एक वाइट। और यहाँ पर देखिए फोर वायर निकले हैं, दो इधर से दो उधर से। तो ये दो हमारा जो वाइट और ब्लैक का है, ये दोनों जो है नेगेटिव सप्लाई यहाँ पर इन होगी। एक तो यहाँ पर जो वाइट कलर है, ये वाइट कलर हो गया हमारा यहाँ पे माइनस यानी नेगेटिव सप्लाई वाइट कलर के लिए। फिर ब्लैक जो है ब्लैक हो गया येलो के लिए नेगेटिव। और ये ऑरेंज का दो कलर है उसके बगल में ये वाला, ये दोनों जो है कॉमन हो गए पॉजिटिव प्लस। ठीक है, तो इसी तरीके से इसके इंटरनल जो लाइट के लिए फंक्शन के लिए जो सर्किट डिज़ाइन होती है या जो इसके लाइट इफेक्ट को सेटिंग की जाती है और बहुत सारे ऐसे जो है इंटरनल जैसे सेंसर्स लगे हुए हैं जो ये टेम्परेचर को सेंस करने का काम करता है, और फैन भी लगे होते हैं जो टेम्परेचर को कूल करने का काम करते हैं इंटरनल। तो ऐसे से इससे हाई कैपेसिटी के एलईडी भी यूज होते हैं। यहाँ पर देखें जैसे ये डार्क है, ये येलो है। ठीक है, येलो के लिए ये ब्लैक वायर हो गया। ठीक, ये वाला ये, ठीक है, ये येलो के लिए हो गया। अब ये दूसरा नेक्स्ट आता है जो हल्का सा है, ये येलो है, ये हो गया वाइट के लिए, जो ये वाइट कलर का वायर गया है। दोनों नेगेटिव की बूस्टिंग से जो है इसके लाइट इफेक्ट को घटाया बढ़ाया जाता है, यानी दोनों टेम्परेचर को इक्वल करके कलर टेम्परेचर को उसी के अनुसार इसे जो है इसके फोकस को कंट्रोल किया जाता है। जैसे दो ये वायर है, ये कॉमन रूप से इसे पॉजिटिव यानी प्लस की सप्लाई दी जाती है। ऐसे इसके इंटरनल अगर देखेंगे, इसके और भी अंदर जाएंगे, जो जैसे हमारा एक नॉर्मल छोटी सी एलईडी होती है, ऐसे यहाँ पर देखें ये एक मॉड्यूल जो यहाँ पे ऐसे इसे फिक्स चिपकाया गया है। ठीक है, क्योंकि ये जब ये ग्लो होता है तो बहुत ही ज़्यादा हीटिंग होता है, टेम्परेचर होता है यहाँ पर, जो इसके बैक साइड में एक हीटसिंक के रूप में जो डिज़ाइन किया गया है यानी एलईडी के ऊपर, तो ये इसकी कूलिंग का काम करता है इस लाइट को। जब ये जलता है, जब ग्लो होता है ये एलईडी, तो उस समय ये कूलिंग का काम करता है। तो ये इंटरनल जो इसका ये था एलईडी हमने जो है इस वीडियो में दिखाया है, और इसके अंदर भी देख सकते हैं कि कैसे इसके टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है। तो इसमें कुछ फॉल्ट है जो हम रिपेयर करेंगे, और रिपेयर के लिए मेरे पास ऐसे आते हैं जो शूटिंग की लाइटें होती हैं, यूट्यूब स्टूडियो में यूज होते हैं या मल्टी फंक्शंस में जो है लाइटें यूज की जाती है, इससे बड़ी बड़ी लाइटें होती हैं। तो एक मैंने छोटे से एग्जांपल पे एक छोटा सा ये दिखाया एलईडी, जो एक नॉर्मल बहुत छोटी सी लाइटें हैं, इससे बड़ी बड़ी लाइटें यूज की जाती है। आरजीबी भी यूज की जाती है, जैसे डे नाइट है ऐसे आरजीबी होती है, तो उसमें बहुत मल्टीपल कलर इफेक्ट देखने को मिलते हैं और मल्टीपल फंक्शन भी उसमें होते हैं जो सॉफ्टवेयर बेस पे डिज़ाइन होते हैं। और कुछ फॉल्ट ऐसे आते हैं जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं, लेकिन उसको भी मैनेज करने का काम किया जाता है हमारे सर्विस सेंटर में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए।